हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका, प्रियंकाज होम किचन गार्डन में आज आपका फिर से स्वागत है। आज मैं चाइनीज फूड बनाने जा रही हूँ, सोया चिल्ली। इसको घर में ही मौजूद कुछ ही सामानों से कैसे बनाते हैं, स्वाद बिल्कुल वैसा ही लगेगा, स्वाद में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। बस घर में मौजूद कुछ ही सामानों से कैसे बनाते हैं बिना सोया सॉस के ही, तो चलिए फिर मैं शुरू करती हूँ। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मैं सोया चंक्स को ठंडे पानी में भिगो दी हूँ। ठंडे पानी में आपके पास टाइम है तो 10 मिनट के लिए भिगो दे, टाइम नहीं है तो आप गर्म पानी में 2 मिनट के लिए इसको बॉईल कर लीजिए। तुरंत में ये बॉईल होके सारा पानी अपने अंदर सोख कर लेगा। उसके बाद निचोड़ के इसका सारा पानी मैं निकाल दूंगी। देखिए, अच्छे से इसको दबा दबा के सारा पानी इसको निचोड़ के निकाल दीजिए। बिना पानी में सोक किए हुए सोया चंक्स को ना बनाएं। देखिए, सारा सोया चंक्स मैं निचोड़ के निकाल दी हूँ। और नेक्स्ट स्टेप है ये कि मैं शिमला मिर्च और ओनियन को स्क्वायर शेप में काट के रख ली हूँ। देखिए, सारे को स्क्वायर शेप में काट के रख ली हूँ। 3 लाल मिर्च ली हूँ, इसका पेस्ट मैं बनाऊंगी। और ये लहसुन ली हूँ, लहसुन की कुछ कलियाँ, इसको मैं पेस्ट नहीं बनाऊंगी, ये साबुत ही डालेंगे, जिससे इसका देखने में भी सुंदर लगता है और स्वाद भी बढ़िया आता है। देखिए, टमाटर और ओनियन का मैं पेस्ट बना लूंगी। देखिए, ग्राइंडर में पीस के मैं दोनों को पेस्ट बना ली हूँ और कढ़ाई चढ़ा रही हूँ। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे और जब अच्छे तरीके से जब ये हीट हो जाए तब सोया चंक्स को कढ़ाई में डाल के इसको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। इसको बिना मैदा डाले, बिना अरारोट डाले, बिना किसी मसाले डाले हुए मैं सोया चंक्स को ऐसे ही फ्राई कर ले रही हूँ। देखिए, जब ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसको निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। और शिमला मिर्च और ओनियन को भी मैं फ्राई करूँगी, हल्का फ्राई करेंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन जब ये हो जाए तो इसको निकाल लेंगे। ज़्यादा फ्राई कर लेने से इसका टेस्ट चेंज हो जाता है। देखिए, हमारा हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसको मैं निकाल के प्लेट में रख रही हूँ। फिर से मैं कढ़ाई गैस पे रख रही हूँ और इसमें जीरा डाली हूँ थोड़ा सा, और इसमें ओनियन का प्यूरी डाल दी हूँ जो मैं बना के रखी थी, और इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। इसको लो फ्लेम पे धीरे धीरे फ्राई करते रहेंगे। देखिए, लहसुन की जो कलियाँ हैं वो साबुत ही मैं डाली हूँ, आपको दिख रहा है। और ये थोड़ा फ्राई हो चुका है तो इसमें मैं टोमेटो प्यूरी भी डाल रही हूँ। टोमेटो प्यूरी और ओनियन के पेस्ट को दोनों को अच्छे से मिक्स करके अच्छे से फ्राई करेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर इसमें अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक हमेशा स्वादानुसार ही डालें। थोड़ी सी टर्मरिक डालूंगी, बहुत थोड़ी, बस इसका कलर आना चाहिए। और काली मिर्च और जीरे का पाउडर और थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, धनिया का पाउडर थोड़ा सा डाल रहे हैं। सभी को मिक्स करके अच्छे से भूनेंगे इसका मसाला। जब तक ये अच्छे से भुनाएगा नहीं तो फिर इसका फ्लेवर नहीं आएगा। इसको लो फ्लेम पे धीरे धीरे इसको मसाले को भूनते रहें। देखिए, हमारा मसाला ये अच्छी तरीके से भुन गया है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। देखिए, एक गिलास से कम मैं पानी ली हूँ, उसका आधा ही मैं इसमें पानी डालूंगी। ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सोया चंक्स भी हमारा पहले से फ्राई है और शिमला मिर्च और ओनियन भी पहले से फ्राई है, वो अधपका सा पहले ही हो चुका है, इसलिए बस बहुत थोड़ी पानी डाली हूँ। जितना पानी ली थी उसका भी आधा मैं पानी इसमें डाली हूँ। देखिए, इतना पानी हमारा बचा रह गया। और इसमें मैं जब हमारा मसाले और पानी अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें कैप्सिकम और ओनियन का जो मैं फ्राई करके रखी थी और सोया चंक सभी को मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे।
धीरे धीरे इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। सारा मसाला इसके अंदर, सोया चंक्स और कैप्सिकम के अंदर सारा मसाला चला जाएगा अंदर, और इसका स्वाद फिर बढ़िया बनेगा। और इसमें 10 मिनट तक इसको ढक के इसको कुक करेंगे। देखिए हमारा कुक हो चुका है, इसको मिक्स करके देखते हैं कि तैयार हुई कि नहीं। देखिए ये बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब मैं गैस को बंद करूंगी और इसमें हल्का सा चुटकी भर इसमें गरम मसाला डाल देंगे, बस चुटकी भर ही, ज़्यादा ना डालिएगा, चुटकी भर इसमें गरम मसाला डाल के इसको अच्छे से मिक्स करें, गैस को बंद कर दें। गैस को बंद करने के बाद ही गरम मसाला डालने की कोशिश करें, तभी स्वाद इसमें दुगना बना रहता है। और इसको देखिए ये प्लेट में मैं निकाल ली हूँ और देखने में कितना ही स्वादिष्ट लग रहा है। इसमें ऊपर से टोमेटो केचप डाल के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ। टोमेटो केचप डालने से इसका खट्टापन आ जाएगा और खाने में, और मैं चीनी नहीं डाली हूँ क्योंकि टोमेटो केचप में ऑलरेडी चीनी डाला होता है, इसलिए मैं चीनी थोड़ा सा नहीं डाली थी, नहीं तो सोया चंक्स में हल्का सा चीनी पड़ती है। किसी भी चाइनीज फूड में हल्का सा चीनी डालते हैं, आधी चम्मच। फ्रेंड जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो कर ही लें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।